चलते हैं बैक टू द पास्ट। आज से 4.5 साल पहले ओप्पो ने इंडिया में अपनी एक न्यू सब ब्रांड अनाउंस किया था जिसका नाम था रियलमी। उन्होंने युद्ध को टारगेट करने के कॉन्सेप्ट को लेकर आया था और उस फोन में बहुत ही एग्रेसिव फीचर्स देकर प्राइस भी वैसे ही सेट किया था। और उस जमाने में रेडमी नोट 5 सीरीज बड़ी मशहूर हुआ करती थी, उनको टारगेट करने के लिए आया था। 2018-15 में को रियलमी 1 आया था और ये फोन हमारे पास है। आज इसके बारे में आपको बताएंगे कि उस वक्त ये फोन इतना पॉपुलर क्यों हुआ था और क्या वजह थी, और रियलमी कहां से कहां तक अब आया है और क्या चेंजेस करना चाहिए नहीं हुआ, जो भी हम सब कुछ आप यहां पर बात करेंगे। अब ये लॉन्च हुआ था 3 अलग अलग वेरिएंट्स में। 332 9000 से स्टार्ट होता था, फिर उसके बाद 464 11000 का है और 6128 14000 का है। याद रहे रेडमी नोट 5 10000 से स्टार्ट होता था 332, उसके बाद 12000 का कुछ 464, ऐसा कुछ 1000 इससे ज्यादा था। तो इसने 1000 कम प्राइस पर लॉन्च करके ओप्पो ने थोड़ा सा लोगों का ध्यान इसकी तरफ खींच दिया था। अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और लुक की। देखिए, इसमें दो अलग अलग वेरिएंट्स थे। एक तो हमारे पास ये रेड वाला जो प्लेन क्लीन है, लेकिन एक सबसे पॉपुलर वेरिएंट था वो ब्लैक या ग्रे वाला था, डायमंड कट स्टाइल डिजाइन में, और वही बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया था क्योंकि उस टाइम पर वो फोन कुछ न्यू डिजाइन लेकर आया था। और डेफिनेटली मैंने भी इसकी अनबॉक्सिंग किया था, मैं बहुत ही अट्रैक्ट हो गया था कि भाई 9000 पर उन्होंने डायमंड कट स्टाइल डिजाइन दिया, वो अपने आप में काफी बड़ी बात थी। और एक और चीज, ये बहुत ही स्लिम ट्रिम फोन है, आईफोन जैसा फॉर्म फैक्टर के साथ आया था, क्योंकि पहले आईफोन कुछ वैसे ही आते थे। 7.8 mm की थिकनेस और 155 grams, साथ में हेडफोन जैक भी वगैरह आपको मिलता है, सिंगल माइक दिया है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ट है, फुल साइज आपको उसमें सिम ट्रे देखने को मिलता है और सिंगल स्पीकर आपको मिल जाता था, लेकिन इसमें फेस अनलॉक ही था, फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट नहीं था। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6 इंच की फुल एचडी प्लस वाली एक आईपीएस डिस्प्ले है। देखिए, वैसे ये 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ बेजल्स के साथ मिली, उस वक्त पंचोल का जमाना नहीं था और 18:9 का बहुत ट्रेंड था, तो रियलमी ने मतलब ओप्पो ने उस जमाने में इस फोन में इसी को टारगेट किया, 18:9 और फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन, क्योंकि उस प्राइस पर और कोई ब्रांड नहीं दे रही थी जो इन्होंने वैसा अप्रोच किया, इसलिए ये भी एक रीजन था कि लोग इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। एक और चीज, इसमें 403 ppi पिक्सल पर इंच बहुत ही ज्यादा शार्प लगता रहा डिस्प्ले जब आप इसको यूज करते थे, तो ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी भी उन्होंने उस टाइम पर जिस प्राइस पर दिया था बहुत ही इंप्रेसिव था, और ये भी एक रीजन है कि शायद ये फोन उतना पॉपुलर हुआ था। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक हीलियो P60 वाली चिपसेट थी 2 GHz पर। ये जो हीलियो वाली चिपसेट होती थी मीडियाटेक की, पी सीरीज वाली स्पेशली, उस जमाने में परफॉर्मेंस तो बहुत देती थी बट हीट बहुत ज्यादा होती थी, कंप्लेंट्स अक्सर रहती थी। मीडियाटेक तो अभी मशहूर हुआ है डायमेंसिटी और न्यू हीलियो चिपसेट्स के साथ, बट उस समय ये चिपसेट जब उस प्राइस पर आई थी तो बहुत अट्रैक्ट हुए थे लोग, क्योंकि वो अक्सर उस प्राइस पर नहीं मिलता था, जबकि रेडमी नोट 5 में स्नैपड्रैगन 625 था, वो काफी स्टेबल और बढ़िया चिपसेट थी और वो बहुत मशहूर अपने टाइम तो हुई थी, लेकिन ये चिपसेट जब आई थी तो इसने परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लेके आई थी। तो 9000 पर हीलियो P60 अपने आप में एक अच्छा चिपसेट था, जहां पर इसमें आप उस समय अच्छे खासे गेम्स भी खेल सकते थे और डे टू डे लाइफ के टास्क भी काफी अच्छे होते थे। रैम का तो क्या सपोर्ट है मुझे पता नहीं, बट स्टोरेज इसमें EMMC 5.1 था, जो उस समय इतना प्रॉब्लम नहीं था, तो यहां पर ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग, इनफैक्ट अभी भी हमने जब इसको चेक किया 2022 में सोचा कि हम थोड़ा मल्टीटास्किंग करके देखते हैं, तो डेफिनेटली वो फील यहां पर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो ऐसा लग रहा था कि 9000 पर जब ये उस समय लॉन्च हुआ था तो लोग डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस से खुश तो हुए ही होंगे। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इसमें उस समय कलर OS था। देखिए, जब रियलमी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो उन्होंने अपना रियलमी UI अनाउंस नहीं किया था, ये ओप्पो का सब ब्रांड था, तो उन्होंने कलर OS दिया था, कलर OS 5 एंड्रॉइड 8 ओरियो, जब ओरियो का जमाना था, जी हाँ, और हमने जब लिया और चेक किया तो एंड्रॉइड 9 इसमें अपडेटेड था। बाकी कलर OS पहले वाले जो थे ना, वो बहुत ही अच्छा स्टॉक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते थे नहीं, बस नियर स्टॉक एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते थे, जो हमने यहाँ पर नोटिस किया। ब्लोट वेस्ट तो उसमें थे, वो हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स वगैरह, कुछ ऐप रेकमेंडेशंस, ये सब फालतू चीज़ें थी क्योंकि ये बजट फोन उस समय तो बहुत आम होता था, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर भी दिखाई थी। बैटरी दोस्तों, इसमें 3410 mAh की बहुत कम बैटरी कैपेसिटी थी, लेकिन होल्ड ऑन, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। उस समय 10000 की रेंज में 4000 mAh की बैटरी जब होती थी तो काफ़ी बड़ा माना जाता था, क्योंकि रेडमी नोट 5 में 4000 mAh की थी। 5000 का ट्रेंड तो अभी शुरू हुआ 1-2 साल पहले, तब बहुत बड़ा माना जाता था। इसमें 3400 में लोगों ने इतना ज़्यादा कंप्लेंट नहीं किया था, बस स्टिल कंप्लेंट किया था कि बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी। और 10W का चार्जर उन्होंने बॉक्स में दिया था चार्ज करने के लिए, लगभग से 2 घंटे से लगभग ज़्यादा या 2 घंटे के आसपास इसको पूरा लग जाता था। हमने थोड़ा जितना भी यूज़ किया ना, बैटरी हमें ठीक लगी, इतना भी बुरा नहीं है, बट स्टिल आज के मुकाबले में बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जिनके पास अभी रियलमी 1 है, इसकी बैटरी आपको अभी कैसी लग रही है? कुछ यूजर्स होंगे शायद यूज़ करते होंगे, ये एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करना। साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये थी कि जब ये फोन आया था तो 4G वोल्टी का बहुत बड़ा ट्रेंड हुआ करता था उस टाइम पर,
ये 4G वोल्टी के सपोर्ट के साथ आया था और 4G प्लस 4G डुअल सिम यहाँ पर सपोर्ट लेके आया था। ब्लूटूथ 4.2, वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट था, 5 गीगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट नहीं, कैमरा 2 API, वाइडबैंड L3 वगैरह और ऑलमोस्ट सारे सेंसर्स का आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता था। कैमरे की बात कर लेंगे, इसमें पीछे सिंगल कैमरा आता था, तब अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल लेजेंडरी सेंसर्स का ट्रेंड नहीं हुआ करता था, तभी ब्रांड अच्छा अप्रोच लेती थी। 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया उन्होंने, EIS के साथ था और आपको LED फ्लैश वगैरह देखने को मिलता है, मैक्स फुल HD वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते थे और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी यहाँ पर भी मैक्स फुल HD वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते थे। रेडमी नोट 5 उस समय 12 का रियर और 5 की सेल्फी, तो ये कैमरे के मामले में, मेगापिक्सल के मामले में उससे थोड़ा ज्यादा था। तो ये सारी चीजें भी लोगों को लगा, कह रहे यार इसका कैमरा भी बोले यहाँ पर ज्यादा है। हमने फोटोज चेक किया, ठीक ठाक फोटोज थे। अभी के जमाने में अगर मैं अभी के फोन से कंपेयर करूं तो ये स्टैंड आउट नहीं करता है, बट स्टिल उस समय जब इतनी टेक्नोलॉजी एकदम भी ज्यादा इवॉल्व नहीं हुई थी, स्टिल इसने कुछ ना कुछ जो फोटोज लिया था वो हमें ठीक लगे। बाकी तो मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ गूगल ड्राइव की लिंक, पूरा क्लासिक फील आएगा, चाहिए देखिए और बताइए कि आपको उसकी फोटोज वीडियोस कैसे लगे। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये एक रेवोल्यूशनरी फोन था। ओप्पो का जो अप्रोच था यूथ को टारगेट करने का, वो इस फोन से सक्सेसफुल हो चुका था, क्योंकि तभी आज इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी 1 के ही वजह से आज हम रियलमी को जानते हैं। उन्होंने एग्रेसिव प्राइस, एग्रेसिव स्पेक्स दिया था, उस समय रेडमी नोट सीरीज की मोनोपोली होती थी, उसको इसने तोड़ने की कोशिश किया था और समवॉट वो सक्सेसफुल भी हुआ था इसीलिए। लेकिन ऐसा नहीं कि रियलमी तब से लेके अब तक अच्छा ही कर रहा है, बीच में बहुत खराब काम भी किया। इनफैक्ट अभी तो लेटेस्ट उन्होंने रियलमी 10 की सीरीज के साथ कुछ इतना खास काम किया नहीं, जो हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में बता ही दिया था। तो फिर भी आज जो रियलमी मार्केट में टिका हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी 1 की वजह से ही शायद वो हो सकता है। तो एपिसोड 2 आपको शायद अच्छा लगा रहेगा, एपिसोड 1 नोकिया 6600, अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पर कार्ड मिल जाएगा। ऐसे और पुराने फोन्स, लेजेंडरी फोन्स हम लेके आएंगे, अगर आपकी कोई सजेशन है कमेंट में जरूर बताना और आपको उनके बारे में पूरी हिस्ट्री लेकर, प्राइस लेकर सब कुछ बताएंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्मार्टिंग।